आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विकास बाजार स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी को याद किया। इस मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष अजय गौतम और रवि प्रकाश भारद्वाज जिला महासचिव ने कहा कि गांधी जी के देश में अब गोडसे का राज कायम हो गया है। आम जन की आवाज और जन आंदोलनों को लाठी डंडा के दम पर बेरहमी से कुचला जा रहा है। गांधी जी के आदर्श सत्य अहिंसा भाजपा की मोदी योगी सरकार के एजेंडे से गायब हैं। इस अवसर पर मांग की गई कि शहीद आजम भगत सिंह जी और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए नगर निगम द्वारा सीढ़ियों का निर्माण कराया जाए। ये भी मांग की गई कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। आदर्श प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया। वहीं इस मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष अजय गौतम और जिला महासचिव रवि प्रकाश भारद्वाज, महिला विंग अध्यक्ष रूपा लवानिया, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष भगत सिंह, पार्टी जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सैनी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से मोहम्मद इरफान आदि तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रवि प्रकाश भारद्वाज, आज हम यहाँ मिलेनियम गांधी के जन्म दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गांधी के सिद्धांतों की रोजाना इस सरकार में हत्या हो रही है। न तो कहीं सहिष्णुता बची है, ना ही कहीं सच बचा है, और ना ही कहीं अहिंसा बची है। गांधी के मूल सिद्धांतों को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। अब ऐसा नहीं लगता कि इस देश में देश कहीं गांधी का या भगत सिंह का देश है। ऐसा लगता है कि गोडसे का देश हो गया है और हम इस गोडसे के देश के बिल्कुल खिलाफ हैं। देश के अंदर जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटाने के लिए आज तमाम ऐसी तरफ ध्यान भटकाया जा रहा है जो जनता के जीवन से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन गांधी ने जो आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया वो इसलिए नहीं दिया कि दोबारा से अंग्रेज जैसे लोग बैठ जाएंगे। आज आंदोलनों पर भी लाठीचार्ज होता है। अरे भाई, आंदोलन करके ही तो देश आज़ाद हुआ था। कोई बुराई थी जभी तो लोग आंदोलन करते थे। आज सरकार के खिलाफ आंदोलन करना यानी कि जनतंत्र पर हमला, यही काम जो अंग्रेज किया करते थे आज वही काम हमारे देश की सत्ताएं कर रही हैं। लोगों के मुंह बंद करने का काम कर रही हैं, सच को बोलने से रोक रही हैं और जगह जगह नफरत। गांधी तो भाई एक सहसुड़ व्यक्ति है, उसकी तो पहचान ही है पूरी दुनिया में। गांधी के बराबर कोई सहसुड़ नहीं था, कोई कुछ भी कह जाए सब कुछ सहने वाले थे। आज इन्होंने नफरत फैला दी, इंसान से इंसान के बीच में खाई बढ़ा दी और जो गांधी का सिद्धांत था वो कहीं नहीं। गांधी का चश्मा तो लटका के घूम रहे हैं लेकिन उस चश्मे के साथ जो गांधी का संदेश है वो दूर दूर तक हमारे देश में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। स्वच्छता की बात करते हैं, अपना मन काला, अपनी आत्मा काली, अपने सिद्धांत काले, अपनी नीतियां काली, देश को काला करने पे बैठ गए। तो हम गांधी जयंती के अवसर पर ये उम्मीद करते हैं कि इन सरकारों को सद्बुद्धि आए और जो गांधी के सिद्धांत हैं वो खाली चश्मे से तय नहीं होंगे, उनको जनता के बीच में मूल रूप से उतारा जाए। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम महान देश के महान समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता सेनानी अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं हम आज। और निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद उन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं सोची होगी जो देश में आज इस तरह का सिस्टम चल रहा है। आप कहीं भी देख लिए चारों तरफ लूट, डकैती, हत्याएं और बलात्कारों की तो एक तरफ से बाढ़ सी आ गई है। आप ये देखेंगे अभी हाथरस में कांड हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, बसों में चलते रेप हो रहे हैं, रास्ते सड़कों पर बच्चियों को गिरा के रेप हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति, इस तरह की व्यवस्था के बाद अगर गांधी जी निश्चित रूप से आज होते तो उनको इतना कष्ट होता और उनकी आत्मा जहाँ भी देख रही होंगी, जहाँ भी सुनेंगे उन्हें इतना कष्ट होगा कि जो देश की व्यवस्था कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे अहिंसा के पुजारी, ऐसे समाज सुधारक गांधी जी से हमको निश्चित रूप से एक संकल्प लेना चाहिए और जो इस तरह की देश की व्यवस्था चल रही है उसमें सुधारात्मक सुधार कार्य करने के लिए हमको भी एक संकल्प लेना चाहिए। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे और उनकी इतनी महान विचारधारा थी कि वो निश्चित रूप से वो हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि विचारों में इतनी शक्ति है कि हम विचारों से ही विचार हमारे इतने अच्छे और इतने वो होने चाहिए तो जहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं रहेगा और विचारों से आप अपनी सारी बातों को आराम से मनवा सकते हैं। और इसी उसमें उन्होंने कहीं हिंसा का सहारा नहीं लिया और उनके विचार ही इतने दृढ़ और प्रबल थे कि उन्होंने अंग्रेजों ने उनके सामने घुटने टेक दिए और घुटने टेकने के बाद आज हम उन्हीं के से ये स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मैं कहता हूँ गांधी के सपनों से हमको आचरण सीखना चाहिए। और गांधी जी, मैं बताता हूँ, एक बार हमारे देश में बहुत तेज़ी से प्लेग फैला था और प्लेग फैलने के बाद जब देश में महामारी के तौर पर वो हुआ तो दिल्ली की गलियों में उन्होंने अपनी एक स्वयं की टीम बनाई 15-20 लोगों की और गांधी स्वयं और उनके साथ ही एक पूरा अंगोछे से ढांटा बांध के और जब वो
उस तरह की व्यवस्था, ये लैट्रिन आज की इस तरह की नहीं थी शौचालय, और वो शौचालय व्यवस्था बिल्कुल जो पखाने कमाने वाली व्यवस्था थी जो हटाते थे हाथ से मेला, उस तरह की व्यवस्था उन्होंने